अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी सेकेंड ईयर फिजिक्स से। टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ करंट। ये हमारा चैप्टर 13 से टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और इसका नाम है सोर्सेज ऑफ करंट। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन लिखता हूँ, फिर आपको डिफाइन समझाता हूँ। अ सोर्स ऑफ अ करंट is a device that maintains a constant potential difference across the end of a conductor to the flow of charges। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या है, क्या सोर्स ऑफ करंट क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो कंडक्टर की साइडों पर, एंड्स पर, अक्रॉस दी एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, क्या कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेनटेन रखता है, ताकि उसमें से क्या फ्लो हो सके, चार्जेस फ्लो हो सके, या एंड्स ऑफ कंडक्टर के बजाय इतना सर्किट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, असल में ये करता क्या है, हम इसे लिखते हैं, एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ करंट। का सोर्स हमेशा नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इसे समझते हैं ये है क्या। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास एक बीकर है, ये देखें ज़रा, ये एक जी बीकर है या कोई भी जग है, एक और ये जगनुमा या डब्बा है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक पाइप से, और इन दोनों में पानी है यहाँ तक भरा हुआ, इसमें भी और इसमें भी। तो आपको पता होगा कि आपको कैसा, ये जो पाइप आपने लगाया है ये इस तरह बना देते हैं, तो इस पाइप में किसी किस्म का भी पानी फ्लो नहीं करेगा। मैंने कहा यार वो क्यों नहीं करेगा, आपको कैसा, दोनों के पास सेम एनर्जी है, लेकिन अगर मैं इस बीकर को उठाकर यहां से थोड़ा इस जगह पर ले आऊं, तो आपको नजर आएगा कि सर इस ए बीकर से बीकर बी में पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार वो क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो चीज आ जाएगी वो इधर से इसके दरमियान में जो आएगा वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास अगर हम इधर देखें तो हाइट के डिफरेंस की वजह से इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी और इसके पास एनर्जी कम होगी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक पानी फ्लो करेगा। अगर हम इधर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज़ को देखें, तो इस चीज़ के अंदर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर ये कंडक्टर है, तो इसको आप जब किसी भी लेट्स सपोज बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो बैटरी इसकी एक साइड पर हायर पोटेंशियल ले आती है और एक साइड पर लोअर पोटेंशियल ले आती है। अब हायर पोटेंशियल आपके पास V होता है, लोअर जीरो हम मोस्टली कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसे V नेगेटिव कह लो और इसे V पॉजिटिव कह लो, तो V पॉजिटिव में से V नेगेटिव माइनस करो तो यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, अब मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये आपके पास कोई भी टंकी है, ये आपके पास है पंप, ठीक है, और ये आपके पास है एक नीचे लेवल। अब इस टंकी से पानी इसके अंदर खुद बा खुद आ जाता है, लेकिन यहाँ से पंप में जाता है और पंप उसे वापस टंकी में फेंकता है। अब ये जो पंप है ये क्या काम कर रहा है, पंप इस लोअर पोटेंशियल से, इस लोअर लेवल से चीज़ को हाई पोटेंशियल पर लेके जा रहा है, हाई का मतलब है हाइट पर लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे क्या गेन करवा रहे हैं, एनर्जी।
तो ये जो पंप है ये असल में इधर कौन है, इधर ये पंप, इधर आपकी बैटरी। अब आपको पता है कि ये पानी जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस पानी के पास इस वक्त बहुत कम होगी, यानी कि अगर ये ग्राउंड लेवल पे, तो हम कहते हैं कि सपोज इसके पास यहाँ पर जीरो एनर्जी है, तो ये एनर्जी इसके पास जीरो है, तो पंप इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एनर्जी हासिल करने के बाद ये इस हाइट पर पहुँचा देगा, तो इसके पास आ जाएगी एनर्जी, और जब ये नीचे आएगा तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अब ये पंप जो है, ये जो पानी है, ये जब इधर से इधर गया और इधर आया, तो इसकी शक्ल और सूरत में किसी किस्म का चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, ये जितना था ये उतना ही रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि इस पानी के पास एनर्जी कम है और इस पानी के पास एनर्जी ज़्यादा है। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी भी कुछ इस तरह का ही काम कर रही होती है, बैटरी पंप का, लेकिन इस पानी को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो ये पंप कर रहा है। अगर ये पंप नहीं होगा तो इसके पास इधर आने के लिए एनर्जी नहीं होगी। अब जब तक इस पंप के पास एनर्जी है तब तक ये इसे इधर तक एनर्जी देता रहेगा, लोअर से उठाकर हाई लाता रहेगा, और इस ये जो हमारा ये वाला जो रूट है, ये वाला, इस रूट में पानी का फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जैसे ही पंप एनर्जी देना बंद करेगा, चीज़ लो से हाई आना बंद हो जाएगी और इस रूट के अंदर फ्लो भी रुक जाएगा। अब इधर पंप कैसे काम कर रहा है, ज़रा इसको समझो कि यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि ये हम कहेंगे ये वाली साइड इधर है लोअर पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा लोअर पोटेंशियल, ये वाली साइड होगी बैटरी की या जो भी आपकी चीज़ है उसका हायर पोटेंशियल, ठीक है। इसको फिलहाल मैं बैटरी की सांस में समझाता हूँ। बैटरी इधर से एक चार्ज को पकड़ेगी और उस पर करेगी काम, वो जो काम होगा वो चेंज इन पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एल एच लिख लेता हूँ, ओवर पर यूनिट चार्ज, कि इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, कितना काम हुआ इधर से इधर आने में एक यूनिट चार्ज पर, वो इन दो पॉइंट्स का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक हो गया। अब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर मेंटेन रहेगा तब तक वो चार्जेस को इधर से इधर लाने के लिए काम करती रहेगी। अब ये मेंटेन कैसे रहेगा, जब तक उसके पास काम करने की सलाहियत होगी, इट मीन्स कि इसको मैं इधर एनर्जी भी कह सकता हूँ, कि जब तक बैटरी के पास एनर्जी है चार्जेस को लो से हाई ले जाने के लिए, ये इसको साथ आप जहन में रखो, लो से हाई ले जाने के लिए, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक तब तक बैटरी के पास एनर्जी है, जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो जीरो ओवर क्यू करो, तो जाहिर सी बात इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है एनर्जी है, वो इस लोअर पोटेंशियल पे पानी, यानी कि चार्जेस का मतलब पानी को लो से कहाँ लेके आ जाएगी, हाई, और जब वो हाई पर जाएगा तो वो इधर से इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। बुक ने इस हाई फ्लो को लो के फ्लो के सेंस में ऐसे बनाया कि बुक ने कहा ये हाई साइड है ये लो साइड है, तो हाई से लो के दरमियान में क्या मूव कर रहा है, करंट, और ये कौन सा करंट है जो हाई से लो जाता है, इस करंट का नाम हमने पीछे पढ़ा था, इस करंट का नाम है कन्वेंशनल करंट। और अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल फ्रॉम पॉइंट लो टू हाई पर यूनिट चार्ज है, तो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, तो इसको भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, आप ना चैप्टर 12 में जाओगे, उधर आपने एक टॉपिक देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप पढ़ सकते हो। तो बैटरी ने इसको यहाँ तक लाने, अब इस सर्किट में कब तक करंट चलता रहेगा, जब तक बैटरी लो से हाई ले जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी, और इनडायरेक्टली हमें एनर्जी का तो पता नहीं, हमें एक चीज़ पता है, उस एक चीज़ का नाम हम क्या कह सकते हैं, उस एक चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि बैटरी के पास जब तक लो से हाई ले जाने के लिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जितना इधर है बैटरी उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस इसके कंडक्टर के दो एंड्स में बना के रखेगी, और जब तक बना के रखेगी इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता रहेगा। तो यही स्टेटमेंट उसने किया, सोर्स ऑफ करंट इज़ अ डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकती है, डैट कैन मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि अगर एनर्जी की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई, चार्जेस जब इधर आएंगे तो उनके पास एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, वो इसमें से गुजरेंगे तो सही, लेकिन उनकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब सिमिलरली अगर हम इसको इधर कहें, तो अगर तो इसके बैटरी के पास, इस पंप के पास ताकत फुल हुई, तो मेरे ख्याल से ये इस कंटेनर को फुल भर के रखेगा, जिसकी वजह से फ्लो अच्छा खासा आएगा, लेकिन अगर इसके पास एनर्जी कम होनी शुरू हो गई, ये कम एनर्जी देगा तो पानी तो आएगा लेकिन कंटेनर फुल नहीं रह सकेगा, कंटेनर इतना रहेगा, जिसकी वजह से फ्लो रेट, पानी का ये जो फ्लो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए इसको एनर्जी मुकम्मल देनी पड़ेगी, कैसे, अगर इसकी एग्जांपल इधर बैटरी है, जब तक ये इसके दरमियान में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखेगा, मेंटेन, तब तक सर्किट से कांस्टेंट करंट की वैल्यू
मूव करती रहेगी। कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए ज़रूरी है, यानी कि करंट के लिए ज़रूरी है। और इस चीज़ को जो ये काम कर रही है, इस चीज़ का नाम क्या होता है हमारी जुबान में? सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, अब ये जो सोर्स ऑफ करंट है, ये सिर्फ बैटरी नहीं होती, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी कि कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक। अब बैटरी हमारे पास दो किस्म की होती हैं, जिसके बाद उन्होंने आगे एग्जांपल भी लिखी है कि कुछ सोर्सेज ऑफ करंट के नाम दिए हैं, तो ये तो समझ आ गया होगा आपको कि सोर्स ऑफ करंट क्या काम कर रहा है, कि ये सर्किट में सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को चलाने का काम करता है। अब सोर्स ऑफ करंट की उसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, सबसे पहली एग्जाम्पल उसने दी है सेल या बैटरी, फिर उसने साथ नीचे ना ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा हुआ है प्राइमरी एंड दूसरे का नाम रखा हुआ है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल, और ये वाले रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल वो सेल जिनको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि जिनको एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मोस्टली हमारे क्लॉक्स में जो सेल डलते हैं वो वाले, या वॉचेज़ में भी अक्सर डलते हैं वो वाले। सेकेंडरी वो होते हैं जो बार बार रिचार्ज हो सकते हैं, बैटरीज़ भी सेल भी, सेल भी होते हैं चार्जिंग वाले, शेविंग मशीन में सेल होते हैं वो रिचार्जेबल सेल होते हैं। तो ये हो गए सेल। अब ये करते क्या है? ये यही काम करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं केमिकल एनर्जी को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद सर्किट में कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस चलते हैं। लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी कम होनी शुरू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है और साथ ही साथ फ्लो ऑफ चार्जेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपने कोई भी सेल लिया, उसको अपने मोटर से लगाया, तो जब शुरू में आप मोटर से लगाते हो तो अच्छी खासी स्पीड से मोटर घूमेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब एनर्जी यूज़ करती रहेगी तो आहिस्ता उसकी एनर्जी कम हो रही है, जिससे उसकी साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है और फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो रही है। जब फ्लो ऑफ चार्जेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ चार्जेस काम क्या करते हैं? करंट। वो इस बैटरी से एनर्जी पकड़ के आप तक पहुंचा रहा है, आप मीन आपकी मोटर तक पहुंचा रहा है, तो वो जो एनर्जी है उसका रेट कम हो जाएगा। एनर्जी कम मिलेगी तो पंखे की स्पीड या मोटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसके दरमियान में हम देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो रही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जी जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल। ये जो आपके घरों में या बाजार में आपने देखे होंगे जनरेटर, लेकिन आपको कि सर उसमें तो पेट्रोल डलता है और पेट्रोल तो केमिकल है। नहीं, पेट्रोल जनरेटर में नहीं डलता था, पेट्रोल डलता है इंजन में, इंजन घूमता है और इंजन घूमने के बाद मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, यानी कि पेट्रोल से केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को मिलती है, फिर जनरेटर घूमता होता है। ठीक है, तो जनरेटर केमिकल को नहीं कन्वर्ट करता, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। फिर तीसरे नंबर पर है सोलर सेल। ठीक है, फोटोडायोड इसे हम बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल होता है ये। ये क्या करता है? ये करता है लाइट एनर्जी को, ये जो सोलर पैनल नहीं होते आपके पास, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके देते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर चौथे नंबर पर बुक ने एक और का आपको, वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करता है? थर्मोकपल हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब सबका काम क्या है कि ये जब कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करें। जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस चलेंगे, तो वो इस वक्त क्या काम कर रहे होंगे? करंट का जरिया बन रहे होंगे, इसलिए उनका नाम क्या होगा? सोर्स ऑफ करंट। तो ये कुछ सोर्स ऑफ करंट है और ये उनकी डेफिनेशन है। अगर कोई कंसेप्ट या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखें, वीडियो के बारे में भी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।